अपने देश का कानून बदल चुका है, यानी नया कानून लागू हो चुका है, तो पुराने वाले कानून की कुछ धाराएं भी खत्म कर दी है, कुछ धाराओं का नाम बदल दिया, कुछ धाराओं की सजा भी बदल दी है, तो अब किस अपराध के लिए कितनी सजा मिलने वाली है और कौन सा सेक्शन बन चुका है, कौन सी धाराएं खत्म हो चुकी है, तो सारी बातें जानते हैं। देखिए आपने है ना 302 सुना होगा, हत्या की सजा, हत्या की सजा के लिए 302 लगता था, अब हत्या की सजा के लिए 302 नहीं लगेगा जी, अब 103 लगेगा, लेकिन 103 के अंदर नई चीज जोड़ दी है, इसके अंदर एक पॉइंट और बना दिया, पहले तो यही था कि अगर कोई किसी की हत्या करता है, अब दूसरा पॉइंट यह बना दिया कि पांच या पांच से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्थान के नाम पर ऐसे अगर उसको मारते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, हत्या में इंक्लूड किया जाएगा। फांसी की सजा इसके अंदर बताई गई है, उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है, यानी कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ सकता है। एक धारा आपने दहेज वाली सुनी होगी 498A, जो लोग जिनके ऊपर झूठा दहेज केस लगता है, जो लाचार पति हैं, तो अब उनको तो पता होगा, अब ये जो धारा है ना ये खत्म हो चुकी है, अब इसकी जगह जो नई धारा आ चुकी है वो आ चुकी है 85, और इस कानून का जो नाम रख दिया वो रख दिया BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, अब इसकी धारा बन चुकी है। पहले वाली जो IPC होती थी उसके अंदर 511 सेक्शन होते थे, अब नई वाली BNS के अंदर 358 ही सेक्शन रह चुके हैं। तो ऐसा क्या इतनी धाराएं खत्म हो चुकी हैं, जो इतना डिफरेंस आया, खत्म नहीं हुई, धाराओं को मर्ज कर दिया है जी, अब जो पहले पांच पांच धारा होती थी अब उसको एक बना दिया है। जैसे पहले जो लूट की धारा होती थी ना, लूट की धारा के लिए पांच सेक्शन होते थे, अब अकेला एक ही सेक्शन बना दिया, पहले लूट के लिए 392 लगती थी, अब सिर्फ लूट के लिए 309 एक ही धारा बना दी, पहले 390, 91, 92, 93, 94 तक की धाराएं जो होती थी वो 392 में, यानी कि लूट में इंक्लूड होती थी, अब अकेले उसके लिए एक ही बना दी 309। एक आपने 420 सुना होगा, है ना, 420 भाई, मेरे साथ 420 हुई है, मेरे साथ 420 हुई है, 420 का मतलब होता था बेईमानी, बेईमानी के लिए लगती थी 420, अब 420 को बना दिया 318 का 4, सजा वही है। और ये एक ऐसी धारा थी जो मेरे को फील हुआ कि ये नहीं बदलनी चाहिए थी, इस धारा के अंदर अपने आप में एक फीलिंग है, हम डायरेक्ट किसी को बोल देते हैं अरे ये तो 420 इंसान है, ये धारा नहीं थी, ये अपने आप में एक फीलिंग थी। अब थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है, अब किसी बेईमान को 318-4 कहेंगे तो थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है, इस धारा के अंदर अपने आप में एक फीलिंग थी। आपको आपने सुना भी होगा कि संसद भवन में 420 नाम की सीट नहीं है, 420 का मतलब बेईमान मानते थे, अब 420 तो धारा रही नहीं, अब तो वहां पे सीट भी बन सकती है, तो 420 क्या बन चुका है, अब 318-4 बन चुका है। एक जो धारा होती थी 376 रेप केस के लिए, अब रेप केस के लिए अभी भी धारा, लेकिन अब 376 नहीं, अब 64 धारा बन चुकी है, लेकिन रेप केस के अंदर एक नई धारा और जोड़ दी है 69। देखो 69 बताता है कि अगर कोई धोखे से किसी लड़की का रेप करता है, जैसे नौकरी का झांसा देके, प्रमोशन का झांसा देके, शादी का झांसा देके, उसके लिए स्पेशल धारा बनी है, पहले वाले कानून में धारा नहीं होती थी, तो अब इसमें जो सजा होने वाली है वो 10 ईयर की सजा होने वाली है। इसी के साथ एक धारा ऐसी डिलीट भी कर दी है, एक धारा होती थी 497 IPC होती थी, ये कहता था कि अगर कोई शादीशुदा लड़की बॉयफ्रेंड बना लेती है, एक्स्ट्रा अफेयर कर लेती है, तो उसका पति जो था उस बॉयफ्रेंड पे केस कर सकता था, ये धारा होती थी पहले, लेकिन नए कानून के अंदर इसको जड़ से खत्म कर दिया है, यानी कि अब शादीशुदा महिला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चाहे 10 बॉयफ्रेंड बनाओ, उसका पति उसको तलाक देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है, तो ये रेप केस की धारा नहीं जुड़ी है, लेकिन पत्नी अब एक्स्ट्रा अफेयर कर सकती है, उसको अब कोई क्राइम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक धारा आपने 354 सुनी होगी, जिन लड़कियों के साथ में छेड़खानी होता है, अब 354 अभी भी है, सजा भी सेम है, अब वो 74 में आ चुकी है, एक साल से लेकर 5 साल तक इसके अंदर सजा होती है। छेड़खानी की बात आई तो आपने वो भी सुना होगा, लड़कियों का पीछा करना, 354D के अंदर क्या होता था, लड़कियों का पीछा करना होता था, 354D, अब 354D बन चुका है जी 78 के तहत, सजा वही है सेम, सिर्फ धारा का नाम बदला है, ठीक है। इसी कदर आपने 376D सुना होगा, 376D होता था गैंग रेप के लिए, अब गैंग रेप के लिए बन गया जी 70, अब सजा सेम है इसमें, सिर्फ धारा का नाम बदला है, जिसकी सजा ऊपर नीचे हो जाएगी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। लाइक जैसे आपने 406 सुना होगा, जो लोग पत्नी से परेशान थे, जिनके ऊपर 406 का मुकदमा लगा था, दहेज केस के साथ में 406 लगवा देती थी लड़कियां, 406 होता किस लिए, 406 इसलिए होता है अगर हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को देते हैं और बाद में अगर वो गटक जाता है, जैसे जो वाइफ है वो अपने घर से गहने लाई, गाड़ी लाई, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन सब कुछ लेके आई पति के घर पे, पति और पति के परिवार वालों ने उसको बेच के खा गए, वो उस सारे सामान को बेच के खा गए, वो गहने को बेच के खा गए, अब पति के पत्नी के पास क्या बचा, पत्नी के पास उसी की प्रॉपर्टी नहीं बची, तो 406 का मुकदमा लगवाती थी। अब 406 जो वो 316 के अंदर आ गया, 316-2, पहले इसमें सिर्फ 3 साल की सजा होती थी, अब इसके अंदर 5 साल की सजा कर दी है जी, तो ये चीज इसके अंदर बढ़ चुकी है, यहाँ पे सजा बढ़ चुकी है। अच्छा एक धारा आपने एसिड अटैक की सुनी होगी, कि अगर कोई किसी के ऊपर तेजाब डाल देगा, तो तेजाब डालने की जो सजा होती थी वो मिलती थी पहले 326A के अंदर, 326A
और 326 बी तेजाब डालना और उसकी कोशिश करना। अब ये जो धारा है ये खत्म हो चुकी है, इसकी जगह जो नई धारा बनी है वो बन गई 124 से। मेरे को एक चीज और याद आ गई, पहले जो 124 ए होता था ना राजद्रोह, 124 ए राजद्रोह यानी कि सरकार के साथ में अगर आप सरकार की निंदा ऐसे करते हैं, हिंसा ऐसे करते हैं, वो धारा खत्म कर दिया। अब उसकी जगह सीधा आतंकवाद लेके आ चुके 111 112 113, तीन नई धाराएं बना दी है, ठीक है। यानी कि बी एन एस 111 112 और 113, ये तीनों धाराएं नई बनी है और इन तीनों के अंदर 7 साल से लेके फांसी तक का प्रावधान है और 1,00,000 से लेकर 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी इनके अंदर बताया है। तो ये भयंकर सजा वाली धाराएं जो है नहीं जोड़ी गई है स्पेशल आतंकवाद के लिए। अगर कोई इंडिया के साथ में आतंकवाद करता है या टोली बना के, जैसे पहले आपने सुना होगा ना कि ये सुपारी किलर है, तो पहले जो सुपारी किलर होते थे उनको मर्डर में लिया जाता था, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं अपनी गैंग बना के सुपारी किलिंग का काम करते हैं। जैसे 5 लोगों ने अपनी टोली बना ली और भाई अब हमारा काम ही, हमारा धंधा है सुपारी लेके किसी को गोली मारना। अगर अब उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अब मर्डर में इंक्लूड नहीं है, वो इसमें इंक्लूड है। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा लोग टोली बना के अगर कोई भी काम करते हैं ना, किसी भी तरह का क्राइम करते हैं, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा 5-7 जो लड़के मिलके एक टोली बना के और वो छीना छपटी वाला काम करते थे, ठीक है, किसी का पर्स मार लिया, जेब कतरे हम जिसको बोल देते हैं, तो जो अगर टोली बना के काम करेंगे ना तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चोरी किसे याद आ गया मेरे को, चोरी की जो पहले धारा होती थी वो 379 होती थी, अब 303 है, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, टोली बना के अगर चोरी करेगा तो 113 में काउंट होगा, 7 साल की सजा है, और सिंगल बंदा चोरी करेगा तो 303 में 3 साल की सजा है, और इसमें माफी भी हो जाती है या फिर फाइन से भी काम चल जाता है, पर इसमें 7 साल का भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये थी चोरी की धारा। इसके साथ आपने एक किडनैपिंग की धारा सुनी होगी, 363 किडनैपिंग की लगती है, 364 में है हम अपहरण की धारा लगती है, तो ये दोनों धाराएं भी खत्म हो चुकी है। अब इनकी जगह जो नई धारा आ चुकी है, इसकी जगह 137 आ चुकी है, और इसकी अगर मैं बताऊं तो आपको आप 138/140 कर लेना, 138/140 हम इसको बोलने वाले। ग्रेवियस हर्ट की जो सजा थी भाई, किसी के हाड़ पैर तोड़ दिए, 325 का जो मुकदमा बनता था, अब वो 325 का मुकदमा नहीं बनेगा, अब 325 की जगह, यानी कि जो पहले वाला आईपीसी था 325, अब 325 नहीं रहा, अब उसकी जगह 117 का मुकदमा बनने वाला। थप्पड़ चट्टू की जो सजा होती थी, यानी कि 323 का जो मुकदमा बनता था, अब 323 का मुकदमा नहीं बनेगा, अब 115 का मुकदमा बनने वाला है। तो ये काफ़ी सारी ये फेमस धाराएं हैं, वैसे तो बहुत सारी धाराएं बदल दी है, चलो और भी बताता हूँ। और भाई यहाँ तक की अगर जानकारी अच्छी लगी है ना, लाइक लुक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ये तो कानूनी जानकारी है, मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं, आप का बिना खाए काम चल सकता है इस देश में, पर अगर आपको कानून नहीं आता ना तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको कानून सीखना ही पड़ेगा। अगर आपने कानून नहीं सीखा तो आपका पड़ोसी, आपके ऑफिस वाले, आपके मित्रगण सब आपको नोच के खा जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको चाहे कितनी ही नॉलेज है, अगर आपको कानून की नॉलेज नहीं है, इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, वो गए दिन बाबाओं वाले हाथ देख के भविष्य बता दिया, अब कानून भविष्य बताएगा सबका, ये रियलिटी है। आज अभी इंडिया के अंदर धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रही है, आने वाले 10 साल में जो लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ में इंडिया को कंपेयर करते हैं ना, वो फिर कंपेयर उनको करेंगे इसके साथ में, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा हाई है, एक एक चीज को फॉलो किया जाता है, पर इंडिया में अभी तक इतना फॉलो नहीं है। अभी तक भी मैं मानता हूँ कि 15 से 20% लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर लोग तरसेंगे सड़क पे मूतने के लिए, थूकने के लिए, इतना कानून हाई हो जाएगा। और जिसको कानून आएगा, कानून का मतलब क्या है, कोई अपने अधिकार जानता है, कोई जानता है कि क्या करना क्राइम है और क्या करना गुड फेथ है, बस यही कानून है। और जो ये सारी बातें जान गया वो जिंदाबाद है, और जो नहीं जाना, एक अभी पीछे सिक्का भी एक मैटर था, एक बहुत बड़ा बिल्डर था, उस बिल्डर को किसी एडवोकेट ने पकड़ के उससे 25-30 लाख खसूट लिए, ऐसे काम के लिए जो बहुत सस्ता होता है बिना नॉलेज, ये खेल है, ठीक है। तो अगर आपको नॉलेज अच्छी खासी है तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, कोई आपके अधिकार आपसे नहीं छीन सकता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं, आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी किसी भी चीज़ की आपको नॉलेज हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कोई किसी भी अदर सब्जेक्ट के प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, कानून नहीं आता तो ये सोच लो आपका यहाँ रहना बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, आपकी सारी कमाई खा जाएगा एक वकील। हाँ, आगे क्या कह रहा था, आगे बता देता हूँ। आगे जैसे ये तो कुछ फेमस धाराएं होगी,
ठीक है। लाइक इसके अलावा अगर कोई मैं बताऊं, जैसे डकैती की धारा है, पहले डकैती के लिए 395 लगता था, अब जैसे वो 310 के अंदर लेके चले गए नया वाला कानून के अंदर। मानहानि एक धारा होती थी कि जैसे अगर कोई हमारी मानहानि करता है, मानहानि पहले 499 और 500 के अंदर इंक्लूड होती थी, अब मानहानि को ना 356 के अंदर बना दिया। एक वो जो धारा होती थी जान से मारने की कोशिश, जान से मारने की कोशिश 506 के अंदर होती थी, अब उसको 351 के अंदर इंक्लूड कर लिया। एक जालसाजी की धारा होती थी, है ना, किसने मेरे साथ में जालसाजी की, यानी कि कोई नकली कागजात बनाना, 464 का मुकदमा जो बनता था, 464 468 का जो मुकदमा बनता था, अब वो 332 के अंदर इंक्लूड कर दिया है जी उसको, अरे सॉरी 336, माफी चाहूंगा, 336, यानी कि 464 और 468 का जो जालसाजी का मैटर था वो 336 के अंदर इंक्लूड कर दिया है। सजा वही है जिसकी सजा बदली होगी। हाँ, मानहानि के अंदर एक सजा और जोड़ दी है, ये कम्युनिटी सर्विस की। कम्युनिटी सर्विस बोले तो भाई समाज की सेवा भी उससे कोर्ट करवा सकती है। तो कुछ धाराएं जो है ये बदल दी गई हैं, ठीक है। इसके वैसे तो देखो बहुत सारी धाराएं, अगर मैं पुलिस वालों के खिलाफ बताऊं, पहले अगर पुलिस वालों के खिलाफ हमको मुकदमा दर्ज करवाना होता था ना, तो हम 166 का मुकदमा बनाते थे, 166। अब जो 166 का मुकदमा नहीं बनेगा, अब बनेगा 198 BNS का मुकदमा बनने वाला है जी, तो अब उसको इस धारा के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। अच्छा, एक सम्मन वाली जो धाराएं होती थी कि अगर कोर्ट सम्मन दे और हम सम्मन पे ना पहुंचे तो फिर पहले तो वो 172, 173, 174, 175 लगती थी IPC, अब वो धारा नहीं लगने वाली, अब लगने वाला है 206, 207, 208 और 210। अब इन धारा अगर सम्मन मिलने पे अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, सजा वही सेम है, सजा नहीं बदली है, सिर्फ धाराओं के नाम बदले हैं जी। तो ये कुछ धारा, सेल्फ डिफेंस होता था पहले, सेल्फ डिफेंस जो था 96 से लेके 104 तक, अरे यार 96 से लेके और 106 तक की धाराओं में इंक्लूड होता था ये सेल्फ डिफेंस, अब 34 से लेके 44 तक हो जाएगा, यानी कि BNS सेक्शन 34 से लेके 44 तक की धाराओं में इसको इंक्लूड किया जाएगा। मर्डर जैसे जान से मारने की कोशिश थी, पहले 307 का मुकदमा बनता था, अब 109 का मुकदमा बनने वाला है। एक्सीडेंट की जो धारा होती थी 304A जो लगता था ना ड्राइवर भाइयों के ऊपर, जो लापरवाही से अगर किसी की डेथ कर देते, अब वो 106 का मुकदमा बन चुका। हाँ, इसमें सजा बदल दी है, पहले से सिर्फ 2 साल की सजा होती थी, अब ये 5 साल की सजा इसके अंदर हो चुकी है, और प्लस फाइन भी होगा, और ये कोगनीजेबल होगा, जमानती होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में मुकदमा जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो सस्पेंस है वो ये जोड़ दिया, जो डॉक्टर लोग है ना, अगर डॉक्टरों से लापरवाही से किसी की डेथ हो जाती है तो डॉक्टरों को यहाँ पे कुछ छूट दी गई है सजा में, डॉक्टरों को सिर्फ 2 साल की सजा ही लगेगी। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते टाइम कैंची अंदर छूट गए, कैंची अंदर छूटने से मरीज की डेथ हो गई, अब डॉक्टर की लापरवाही से वो डेथ हुई तो डॉक्टर को 2 साल की सजा मिलेगी, लेकिन अगर डॉक्टर को छोड़ के कोई और लापरवाही करेगा उसको 5 साल की सजा मिलेगी। तो ये इसके अंदर सजा का हेर फेर किया गया है। तो उम्मीद करूंगा ये कुछ सेक्शन थे, वैसे तो देखो सारा ही चेंज कर दिया, ये मुख्य मुख्य सेक्शन थे, जैसे धर्म के लिए सेक्शन हो गए, ठीक है। जैसे पहले धर्म के लिए जो सेक्शन होता था 298 जो सेक्शन होता था, किसी धर्म की हम बेइज्जती करेंगे, उसको 300 में ले लिया। तो काफ़ी सारी धाराएं तो वैसे तो सारी उलट पुलट हुई है, लेकिन ये मुख्य थी। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी धारा जो जानना चाहते हैं सर, वो धारा कौन सी बन चुकी है, तो वो बताइए, तो कमेंट बॉक्स खुला है। अब पुराने वाले सेक्शन की कोई धारा बता दो, या उसका बस ऐसे हमको इंट दे दो कि सर ऐसा ऐसा मुकदमा किस धारा में बनता था, नए वाले में कौन सा बनेगा, तो मेरी टीम या हम आपको रिप्लाई उसका जरूर करेंगे। थैंक यू माय डियर, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। फिर बता देता हूँ, जिसने कानून का ज्ञान नहीं है ना, वो आगे नहीं टिक पाएगा, लोग उसको नोच के खा जाएंगे और वो अपने आप में गुलाम फील करेगा। तो जितना जल्दी हो सके कानून की जानकारी ले लो, कानून आपके साथ है तो मतलब आपका अधिकार आपके साथ में। थैंक यू।